नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। भायंदा, बीजेपी जिला अध्यक्ष एड रवि व्यास ने मीरा भायंदा महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले को पत्र लिखकर भायंदा पश्चिम स्थित सुभाष चंद्र बोस मैदान पर खेलकूद के अतिरिक्त चल रही अन्य गतिविधियों पर तत्काल लगाम लगाने की मांग की है। उन्होंने आयुक्त को चेतावनी दी है कि यदि खेलकूद के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो बीजेपी महापालिका के खिलाफ आंदोलन करेगी। आयुक्त को लिखे पत्र में एडवोकेट रवि व्यास ने कहा है कि महासभा में पास किया गया था कि इस मैदान पर खेल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद आयुक्त महोदय ने पुराने प्रस्ताव को रद्द कर अपना प्रस्ताव पारित कर मैदान का उपयोग शूटिंग आदि कामों के लिए देने लगे। आयुक्त महोदय को यह नहीं भूलना चाहिए कि भायंदर पश्चिम में खिलाड़ियों के लिए यही एकमात्र मैदान है। ऐसे में अब खिलाड़ियों को अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आयुक्त को चेतावनी देते हुए एडवोकेट रवि व्यास ने कहा कि यदि इस मैदान का उपयोग खेल के अतिरिक्त अन्य काम के लिए किया गया तो मीरा भायंदर बीजेपी महापालिका के खिलाफ आंदोलन करेगी। ललित दवे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एडवोकेट रवि व्यास, जिला अध्यक्ष मीरा भायंदर शहर भाजपा। आप सभी लोगों को एक मुद्दे से अवगत कराना चाहता हूं। भायंदर पश्चिम के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान ये एकमात्र ऐसा मैदान है जहां पे हमारे जो भी हमारे खिलाड़ी है, जो हमारे यहाँ के युवा है, बच्चे हैं, वो सभी उस मैदान में जाकर स्पोर्ट्स, क्रिकेट, अलग अलग जो भी अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं। और मीरा भायंदर महानगर पालिका की बॉडी ने एक ठहराव किया हुआ था जिसके अंदर केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ही अलाउड थी सुभाष चंद्र बोस मैदान में। लेकिन जब से हमारी बॉडी डिसॉल्व हुई है तो हमारे माननीय प्रशासक जो कि है आयुक्त ढोले साहब, इन्होंने एक नया प्रशासकीय ठहराव पास किया है जिसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान को शूटिंग के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए भाड़े पे दिए जाने का निर्णय पास किया है, जिसकी बदौलत हाल ही के अंदर मैदान के अंदर 3 दिन कंटिन्यूसली शूटिंग चल रही थी। हमारे शहर के बच्चे, युवा, सभी लोग क्रिकेट खेलने से, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने से वंचित हो गए। इसके विरोध के अंदर मैंने माननीय आयुक्त जी को एक लिखित रूप से पत्र लिखा है, शिकायत की है कि वो जो ठहराव है उसे कैंसिल किया जाए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मैदान है वो केवल बच्चों के लिए एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ही दिया जाए। अगर ये जो ठहराव, जो प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है उससे अगर उन्होंने कैंसिल नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। ये मैं आयुक्त साहब को अवगत कराना चाहता हूं। कृपया करके आप सभी लोग भी इसके लिए अपनी आवाज उठाइए। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।